हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आज जो है दिन मेरा सुबह से चालू हो गया था, सारा काम मैंने कर लिया है और क्या क्या किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी देखिए बज रहे हैं 12:30 और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और सोचा आप लोग से मिल लूँ। पूजा भी मैंने कर ली है और आज मैंने जो जो किया है, जो जो बनाया है अभी तक का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये होगा कि अब पाकी तो स्कूल गई है, दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म और 2-4 दिन हो गए हैं इस बात को। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज लंच के लिए मैं बना रही हूँ राजमे, और ये मैंने सुबह ही बना लिए थे। जिस तरह से बन रहे हैं अभी मैं मसाला भून के इसमें डाल रही हूँ, बस इतना ही काम मुझे करना है। और चावल मैं खाना खाने के टाइम ही बनाऊंगी। और मम्मी और मैं यहाँ पे खड़े होके ना खूब बातें चल रही हैं हमारी आसपास की, मोहल्ले की। इनको लगता कोई खिला पिला नहीं रहा है। कोई खिला पिला नहीं रहा है। ये बात तो है। वो एनिमल लवर लोग भी तो यहीं रहते हैं, वो लोग भी लाला के देते थे दोपहर में। डरा देता है सबको। चावल उबल के गिर गया और यहाँ मैंने राजमे रख दिए गरम करने। सुबह से बनाती हूँ ना तो ठंडे हो जाते, तो इस ये चावल तो बन ही रहा है। मैं और मम्मी देखो मेरा वीडियो देख रही थी, शायद मेरे को मेरी आवाज़ आई। ये चावल कल के बचे हैं तो इसको मैं गरम कर लेती हूँ माइक्रो में। हम यही खाएंगे, बहुत सारे चावल बचे थे कल। पर ये घूम रही है ना, मेरे को डर लग रहा है वहाँ जाने में। तो ये अभी तक हमने रखी है, हम इसको अभी मिटाएंगे नहीं, जितने दिन हो सके रखेंगे। आप लोग रखते हो इस तरह से? हम तो रख देते हैं, एक बार बनाते हैं तो काफ़ी दिन तक चलाते हैं उसी को। हमारे घर के सामने वाली रोड, ट्रैफिक जैसे आना जाना इतना ज़्यादा है। देखिए डंपर भी जा रहा है तो सोचिए कितनी धूल आती है। तो कॉन्स्टेंटली रोड में ट्रैफिक रहता है और घर एकदम रोड पे लगा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। ये देखिए कार को अभी 2 दिन भी नहीं हुए साफ किए, ये देखिए क्या धूल। ये देखिए मैंने इसको ऐसे किया ना ग्लास के ऊपर तो साफ़ हुआ और धूल आ गई मेरे हाथ में। देख पा रहे हैं? हाँ, अब दिख रहा है शायद। तो ये धूल है, मेरे चावल चल रहे हैं, मैं बातें कर रही हूँ, जल ही जाएंगे जब तक। चलिए मैं खाना निकालती हूँ, सबके लिए बुला भी लेती हूँ। तो ये हमने तीनों का खाना लगा दिया है। वो चावल अभी बने नहीं हैं, मुझे लगता है इतने में हो ही जाएगा सबका। बस ये गैस बंद, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए मैं मम्मी का पहले दे देती हूँ। इसके साथ थोड़े से प्याज बहुत अच्छे लगते। आ जाओ खाने। ये देखिए प्याज में ना मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस आ क्या हुआ? अरे अरे राजमा चावल देख के किस किस के मुंह में पानी आता है। मेरे तो राजमे बनाते टाइम इतनी खुशबू, मैं थोड़ा ना टेस्ट भी तब करके देखती हूँ, नमक वगैरह। तो एक कटोरी करीब खा ही लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं राजमा स्पेशली बनाती हूँ। कि जिस जिसको पसंद है प्लीज़ लाइक करके मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। अब खाना हो गया, उसके बाद ये दिवाली की कुछ मिठाइयाँ रखी थी, ये मैंने गरम करी ना, एकदम अलग अलग हो गए इसके मिही दाने। ये है बेसन का लड्डू, नहीं बेसन का नहीं, ये बूंदी का लड्डू है। तो ये खा रहे हैं अभी और हो गई है शाम। अब चाय का टाइम और आज चाय स्पेशल प्रतीक ने बनाई है भाई, बता दे रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करके रखने लायक। और साथ में है ये पार्ले जी का बिस्कुट। बिस्कुट बोल रही हूँ, ध्यान रखना
बहुत लोग बोलते हैं, और ये डिप करो फटाफट खा लो नहीं तो गिर जाएगी उसी में। नहीं लगता है मम्मी पूरे नमकीन खा जाएगी। देखो पापा अगर आप नमकीन पे हाथ साफ कर रहे, बेचारे पापा को तो मिल ही नहीं रहा है। मम्मी प्लीज ध्यान रखो इस बात का, चाय पियो ज्यादा, नमकीन कम खाओ, पापा को बहुत नमकीन पसंद है। अरे बाहर की लाइट देखो कैसी हो रही है पापा जी। नहीं है बंद है, देखो अब हो गई, अब हो गई कौन सी, मुझे कॉन्स्टेंट अच्छी लगती है, फिर बंद हो गए। अब हुई मुझे लगता है। बहुत गर्म है, मैं तो पी नहीं पा रही। दो बार गर्म किया तो 100 से 200 डिग्री टेम्परेचर हो गया उसका। अच्छा क्वेश्चन है ना, अगर पानी को एक बार बॉईल किया तो 100 डिग्री टेम्परेचर में बॉईल किया, दोबारा बॉईल किया तो कितने डिग्री टेम्परेचर, तो 200 डिग्री टेम्परेचर। पप्पू का साइंस है। अच्छा तो पाखी और पाखी की दादी गए हुए हैं और हम लोग पी रहे हैं चाय। अच्छा हम लोग कहाँ गए हैं, वो आज गए हैं बाहर, पाखी को बहुत सारी चॉकलेट की जरूरत थी तो दादी बोली चलो मेरे साथ, पाखी को खूब सारी चॉकलेट दिलाते हैं, तो देखते हैं क्या क्या लेके आती। मेरे को भी बड़ी एक्साइटमेंट रहती है क्या क्या आने वाला है, और उसमें से मुझे भी मिलता है ना। तो अभी तो मैं चाय पी रही हूँ, ये रखी है चाय, बिस्किट मैंने खा लिया, सेव तो नहीं नमकीन है, ये हम खा रहे हैं। चाय गर्म है अभी थोड़ी देर में पियेंगे। नमस्ते पापा। हाँ वो पापा, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं पूरा भर कर लाया। मुझे तो मालूम है तुम्हें छोड़ा थोड़ी होगा। मेरे साथ जाती तो ज्यादा खरीद के नहीं देता, अब वो हो रही क्योंकि दांत खराब करने हैं, तो इसलिए वो ठामा के साथ है ना, मुझे मालूम है सब तुम्हारी चाल। क्या आज तो चूना लगा दी इसने मेरे, सिंधी की दुकान गई शिकागो, ये किसने दिया? कितना चूना लगाई? मुझे समझ गया, थोक के गजब का चूना लगाई है ना, ये मालूम है। तो चॉकलेट आपसे नहीं खरीदना है, इतनी महंगी चॉकलेट्स नहीं खरीदना है। ये देखो कितनी महंगी वाली चॉकलेट लेके आई है, 100 रुपीज की एक चॉकलेट है ये। तो अब से पाखी ने डिसाइड किया है कि वो नहीं खरीदेगी इतनी महंगी चॉकलेट, क्योंकि हम इतनी महंगी चॉकलेट नहीं खाते हैं। मैं मम्मी के सामने भी गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ और आपके सामने भी गॉड प्रॉमिस कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब से नहीं खरीदेगी पाखी, और इतनी सारी चॉकलेट एक साथ नहीं खरीदेगी। ठीक है, चलिए अब बाकी चलो जाओ एक्सरसाइज करो और इन सबको जमा के रख दो। तो ये सारा सामान पाखी की दादी ने पाखी को दिलाया है, लेकिन पाखी ने गलती कर दी, उसको मालूम नहीं था एक्चुअली कि ये कितने की है, और हमें भी अभी पता लगा कि ये एक चॉकलेट 100 की। हमें तो शॉक में चले गए हम लोग कि एक चॉकलेट 100 की कौन खाता, वो भी इतनी सी, इतनी सी, मेरे को तो लगा 20-30 रुपए की होगी, इतनी सी चॉकलेट 100 रुपीज की। अबे नहीं आई है तो मैं क्या करूं? नहीं, हर चॉकलेट हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ना,
उसका उसके जिम्मेदार ये जितने भी यूट्यूबर हैं जो खा खा के दिखाते हैं ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, इसीलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। होगी इधर उधर कहीं, देख लो मेरे पास थोड़ी है। चलो जाओ जल्दी करो जमाओ। पहले आपको भी तो दे दो कुछ। मुझे नहीं चाहिए पाखी। वो पैकेट तो तुमने फाड़ दिया। जाओ रख के आओ, जाओ इस थैले में रखो और रख के आओ जल्दी से, जो बोल रहे हैं पापा वो करो। हाँ, कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना, ये आज पूरा दिन का हिसाब किताब रहा हमारा, और लास्ट में दिन होते होते ख़त्म होते होते पाखी ने जो किया उससे हम लोग सब बहुत दुखी हो गए हैं कि क्यों ऐसा कर रही है वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।